अभी आप देख रहे हैं कोविड मरीजों के लिए खाना तैयार करते हुए अमर भोजनालय के लोगों को, इस तरह राजस्व विभाग के पटवारी अथवा कर्मचारी यहाँ मौजूद है और आज कुछ स्वयंसेवियों द्वारा कुछ आवश्यक वस्तुएं भेंट की गई है कोरोना मरीजों के लिए। कोविड सेंटर संगड़ा के मरीजों का खाना हालांकि कॉलेज के आसपास ही बनाया जा रहा है, मगर स्टाफ का खाना इस ढाबे से जा रहा है और मरीजों का खाना बनाने वाले तोमर भोजनालय द्वारा उस पर आपत्ति जताई जा रही है। इस तरह एक हाथ शख्स बीच में बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं, हालांकि अधिकतर लोग मास्क में दिख रहे हैं। अनलॉक थ्री का आज पहला दिन है और इस तरह आप देख सकते हैं बस अड्डा बाजार संगड़ा में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। अभी शनिवार के चलते आज बैंक बंद है और इन बैंकों की एटीएम मशीनें पिछले कई महीनों से बंद है, लगातार पिछले 131 दिन से ये सीरीज दिखाई जाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को खासकर सोशल डिस्टेंसिंग प्रति जागरूक करना है। कोविड केयर सेंटर संगड़ा की बात करें तो यहाँ अभी 37 मरीज मौजूद है और पिछले एक सप्ताह में 2 को यहाँ से शिफ्ट किया गया है और अभी कोई भी मरीज स्वस्थ होकर नहीं लौटा है यहाँ से। तो इस तरह यहाँ कोविड सेंटर शुरू होने के बाद अधिकतर लोग मास्क पहने दिख रहे हैं और जागरूकता बढ़ी है लोगों में। जो निर्णय लिया था संक्रमण को रोकने के लिए पहले 9 बजे से 5 बजे तक का, क्योंकि उस समय मरीजों को यहाँ कोविड केयर सेंटर में लाया जा रहा था। उसके उपरांत फिर आफ्टर 9 डेज हमने जो है एक मीटिंग और बुलाई, सभी आबादियों को बुलाया। यहाँ की स्थिति सामान्य हो चुकी है, इसलिए सभी व्यापारियों ने यह निर्णय लिया कि अब दुकानें सरकारी समय के अनुसार सुबह 8 बजे। आज संगड़ा में बाजार 5 बजे के बाद भी खुला रहेगा। व्यापार मंडल की बैठक में आज इस बारे निर्णय लिया गया। पिछले एक हफ्ता से यहाँ कोरोना संक्रमण रोकने के लिए शाम 5 बजे बाजार बंद किया जा रहा था, तो इस तरह अब सरकार द्वारा निर्धारित समय तक बाजार खुला रहेगा।